नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों, इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूँ। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। वो है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट में देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में इसका सपोर्ट लेवल कौन बनेगा उस लेवल की भी बात करेंगे। और साथ के साथ आज इस कंपनी का रिजल्ट भी आया है Q1 का, जो कि काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो देख लेते हैं कंप्लीट डिटेल इस कंपनी का क्या बनता है। 202.30 रुपये पर आज यह कंपनी क्लोज हुआ है, जबकि अगर इसके 52 वीक हाई और लो की बात करें तो आप देखेंगे 45.05 रुपये का ये शेयर हुआ करता था, 242.85 रुपये का इसने अपना हाई बनाया था। वहीं अगर आजकल डिलीवरी की बात करें तो आप देखेंगे 26% से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है। क्वांटिटी की बात करें तो 41 लाख से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। देख लेते हैं इस कंपनी का और डिटेल। तो अगर कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो आप देखेंगे इसमें जो प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है वो हुआ 51.68% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगर वहीं कंपनी के सेल ग्रोथ की बात करें तो कंपनी का सेल ग्रोथ 40% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा रहा है, जो कि दोनों ओवरऑल मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। तो इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए बाई किया जा सकता है, और कंपनी का लॉन्ग टर्म का जो परफॉर्मेंस रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म रहा है। तो इस कंपनी को अगर आप बाई करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर से ज़रूर होल्ड करें। कल को अगर यह कंपनी ओपन होता है तो आपको काफ़ी हाई प्राइस पे, यानी कि काफ़ी बड़ा गैप अप ओपन होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। तो आप चाहें तो तुरंत बाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अगर आप बाई करना चाहते हो तो 210 रुपये के आसपास अगर यह कंपनी मिल जाता है तो मेरे ख्याल से बाई कर सकते हैं कल के लिए। अगर उसके ऊपर निकलता है तो यह कंपनी 225 रुपये तक का टारगेट बहुत ही ईजिली टच करता हुआ आपको नज़र आ जाएगा। हालांकि अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो 250 रुपये, 270 रुपये तक का भी टारगेट देखने को मिलेगा इस कंपनी में। हाँ, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इंटर करते हैं तो स्टॉप लॉस लगाना न भूलें, स्टॉप लॉस जरूर से ज़रूर लगाकर इसमें चले। दोस्तों, आप ऑलरेडी इस शेयर में इन्वेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि इसको एवरेज करना, तो ज़रूर से ज़रूर एवरेज कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बने रह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इंटर कर चुके हैं और कल इस शेयर में गिरावट आपको देखने को मिल रहा है तो बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी का रिजल्ट जिस हिसाब से काफ़ी अच्छा है, कंपनी 1 से 2 दिन में, यानी कि हो सकता है कल इसमें ऑपरेटर्स इस शेयर को गिराएं, तो ऐसा नहीं है कि आपको पैनिक करके निकल जाना है। कम से कम 2 दिन 4 दिन इस कंपनी को, वर्किंग डे की बात कर रहा हूं, 2 से 4 दिन का अगर आप टाइम देते हैं इस कंपनी को तो यह कंपनी काफी ऊपर तक आपको लेकर जा सकती है। तो इसीलिए बिल्कुल भी बेचना नहीं है पैनिक होकर, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।